हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो आज की रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ दोस्तों बंगाली साग। तो आए दोस्तों शुरू करते हैं बनाना। बंगाली साग बनाने के लिए हमें यहाँ पर ये सामग्री लगेगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है दोस्तों पूरा एक केजी है ये बंगाली साग। इसको मैं बंगाली साग ही बोलती हूँ दोस्तों, और इसको पता नहीं आप लोग क्या बोलते होंगे, इसको किस नाम से इस साग को बुलाते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसको बंगाली साग बोलती हूँ और मार्केट में भी यही साग बोल के मैं लेती हूँ। तो ये साग यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको साफ कर लिए हैं दोस्तों। अब चलते हैं, इसको मैं 3 से 4 पानी से अच्छे से धो लेते हैं। ये देखिए इसका ये बंगाली साग का पत्ता कितना बड़ा बड़ा रहता है, ये देखिए। अब पूरा ये नाजुक है दोस्तों, ये देखिए। तो चलते हैं, इसको मैं पहले धो लेते हैं अच्छे से। और इधर मैंने एक पतीला ले लिया है दोस्तों, साग को इसी में डाल के धो लूँगी। तो साग को अच्छे से धो लिया है दोस्तों 3-4 पानी से। अब चलते हैं साग को अच्छे से काट लेते हैं बारीक बारीक एकदम पतला पतला शेप में। तो साग यहाँ पर मैंने अच्छे से सारे काट लिए हैं दोस्तों एकदम बारीक बारीक पतले पतले। और इधर देखिए दोस्तों, इधर मैंने बहुत सारा लहसुन का कलियाँ लिया है, इसको छोटे छोटे पीसेस में काटी हूँ। और साथ में यहाँ पर 5 हरी मिर्ची लिया है। तो इधर मैंने कढ़ाई पर गैस जला कर बैठा दी थी दोस्तों, कढ़ाई गर्म हो गया तो मैंने तेल डाल दिया है, सरसों का तेल डाला है यहाँ पर मैंने, क्योंकि सब्जी और साग सरसों के तेल में बहुत अच्छा लगता है। तो जब तेल गर्म हो गया है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लहसुन डाल देते हैं। हरी मिर्च को भी काट लिया है दोस्तों, थोड़ा मोटे मोटे पीसेस में काटी हूँ, इसको भी डाल देते हैं। तो अब यहाँ पर ज़्यादा इसको हमें लहसुन हरी मिर्च को ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है दोस्तों, बस हल्का तेल से भूनना बस हो गया है। तो अब यहाँ पर हम साग डाल देते हैं। तो साग यहाँ पर सारे डाल दिए हैं दोस्तों, ये देखिए। अब यहाँ पर साथ में ही डाल देते हैं हम नमक, नमक यहाँ स्वाद के अनुसार डाल दें दोस्तों, क्योंकि साग डाल के बहुत कम हो जाता है, तो ध्यान से नमक डालना पड़े। अब यहाँ पर इसको हम अच्छे से चला देंगे इसको। तो साग को मैंने अच्छे से मिला लिया है दोस्तों नमक में। अब इसको हम यहाँ पर ढक देते हैं और आग को थोड़ा कम कर देते हैं। तो अब साग को फिर एक बार दोबारा चला देते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, काफी पानी छोड़ रहा है, और ये इसी पानी से ये बन जाएगा दोस्तों। और ये साग में वैसे भी पानी नहीं डालना पड़ता, साग में काफी पानी रहता है। तो देखिए इस तरह से हमें बीच बीच में चलाते हुए इस तरह से ढक करके पकाना है। अब आज को यहाँ पर थोड़ा कम कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि कम आँच पे बहुत अच्छे से सिझ जाएगा और खाने में जब भी अच्छा लगेगा ये। तो साग ने जो पानी छोड़ा था दोस्तों सोख लिया होगा। अब देखते हैं दोबारा चेक करके, ये देखिए दोस्तों बिल्कुल भी पानी नहीं है कढ़ाई में, पानी सोख लिया है। अब इसको हम करछी के हेल्प से इसको हम कैच लेते हैं, अच्छे से मिला लेते हैं एक बराबर करके। तो यहाँ पर मैंने करछी ले लिया है दोस्तों, अब इसी से इस तरह से हम पूरे साग को मिलाते हुए अच्छे से बराबर कर लेंगे, बिल्कुल आटे की तरह। तो चलते हैं दोस्तों के साग को पहले अच्छे से मिला लेते हैं कैच के। तो साग को मैंने अच्छे से मिला लिए हैं दोस्तों, ये देखिए कैच के, ये देखिए पहले कैसा था और अब कैसा लग रहा है। तो अब ये हमारा साग हो गया है दोस्तों, तो इसको अब हम गैस बंद करके छोड़ देते हैं ढक करके। तो मेरी ये बंगाली साग बन करके रेडी हो गया दोस्तों। ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों।